दोस्तों, हिंदुस्तान में कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदू धर्म के लोग काफी सालों से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कई हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? आरएसएस का इसमें क्या योगदान है? और आरएसएस को हिंदू राष्ट्र का जन्मदाता कहा जाता है? भाजपा नेता हिंदू राष्ट्र पर बयानबाजी करते हैं और विवादित बयान देते हैं। साधु संत हिंदू राष्ट्र बनाने का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, इसे जानने के लिए आइए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर हम अतीत काल के भारत की बात करें तो ये अखंड भारत हिंदू राष्ट्र था। ऐसा मैं नहीं, इतिहास बताता है। वर्तमान की दुनिया कई तरह के धर्मों और जातियों में बटी है। इसे किसी और ने नहीं, आज के इंसान ने बांटा है। आज भारत के हर हिंदू का सपना है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने। अरब देश के शासकों से लेकर अंग्रेजों तक ने इस देश की संस्कृति और समाज को बांटा है और उनको अपना गुलाम बनाया है। जनता पर लाखों अत्याचार किए गए, धर्म परिवर्तन किया गया, हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित किया गया। ये मुस्लिम शासक मध्य एशिया के थे और दूसरे देशों को लूटना, वहाँ मुस्लिम धर्म का प्रचार करना इनका मकसद था। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में आया, हिंदू धर्म 5000 वर्ष पुराना है। आज 20वीं शताब्दी में अखंड भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ है। ये देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है और यहाँ मुस्लिम रहते हैं। ये मुसलमान पहले हिंदू थे, इनको मध्य मुस्लिम शासकों ने हिंदू से मुसलमान में परिवर्तन कराया था, ऐसा इतिहास कहता है और इतिहासकार भी इनकी हकीकत बताते हैं। दोस्तों, आप जान गए होंगे हमारे देश में मुसलमान कैसे आए और मुसलमान कैसे बने। अब आपको हम हिंदू राष्ट्र के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आज से 100 साल पहले 1925 में एक संस्था जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसका उदय हुआ और ज्यादातर इतिहासकार इसी को हिंदू राष्ट्र का प्रणेता कहते हैं। आरएसएस, जिसका प्रमुख मुद्दा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र होता है, इसके कार्यकर्ता पूरे भारत में है जो आरएसएस के उद्देश्यों के अनुसार काम करते हैं। इसका प्रमुख एजेंडा हिंदू विरोधी ताकतों को रोकना और हिंदू धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार और प्रसार करना है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दोस्तों, अकेला यही संगठन इस देश के लिए काम नहीं करता। इसके अलावा बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस देश में मौजूद हैं। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना हर हिंदू देखता है, क्योंकि भारत हजारों सालों तक मुस्लिमों और ईसाइयों का गुलाम रहा। हिंदू धर्म को कुचला गया, परेशान किया गया, जबरदस्ती दूसरा धर्म थोपा गया, जिसे सुनकर आज का हिंदू सहम गया और हिंदू एक देश एक धर्म का नारा लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? इसका मतलब इस देश का कोई धर्म नहीं है। तो दोस्तों, लोग हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? ये एक बहस का मुद्दा है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कई राजनीतिकार और इतिहासकार अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। कोई इसे सही ठहराता है तो कोई इसे गलत। अगर संविधान की बात करें तो हिंदू राष्ट्र बनाना गलत है, ऐसा मैं नहीं, कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं, क्योंकि ये एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। शक्तिशाली धर्म गुरुओं और संगठनों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से की जाती है, लेकिन ये मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुई है। वर्तमान में दुनिया में दो ही देश हैं जहां हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, जिसमें नेपाल और भारत आता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहां पर चुनाव होते हैं, कई सारी पार्टियां हैं जिनके विचारधाराएं अलग अलग हैं। संसद में शपथ तो सभी संविधान की लेते हैं, लेकिन उनके कार्यों से पता उनकी विचारधारा पता चलती है। हिंदू राष्ट्र का प्रतीक भगवा रंग है। कई सारे विपक्षी पार्टियां भाजपा पर हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप भी लगाती हैं। आज भाजपा पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके भारत में सबसे ज्यादा भाजपा शासित प्रदेश है और जिस राज्य में इनका शासन है वहां पर हिंदू समर्थित संगठन काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की और कहा कि अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसके बाद 15 और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। हो सकता है कुछ सालों में ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है। क्या सच्चाई है ये समय बताएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने का काम बहुत सालों पहले शुरू हो गया था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, तब से इसने तेजी पकड़ ली है।
आज के समय में कई छोटे और बड़े हिंदू संगठन बन गए हैं जो हिंदू राष्ट्र से संबंधित कार्यक्रम चला रहे हैं। दोस्तों बात 2014 की कर लेते हैं। चुनाव का नतीजा आया और कई सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक सभा में ऐसा भाषण दिया कि लोग सुनकर चौंक गए। इस भाषण में मोदी ने कहा कि बाहरी शक्तियों ने हमारे देश पर हजारों सालों तक देश को आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से शोषण किया। आज हम इस देश को फिर से अतीत का भारत बनाना चाहते हैं। देश में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो संकेत देते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने कारण हैं। दोस्तों आपको हम ऐसे मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं CAA, NRC और NPR की, जो कुछ साल पहले लोकसभा में पेश किए और पारित भी हो गए। इस बिल के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर आए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को भारत में बसाया जाएगा और CAA के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी और मोदी सरकार NRC के तहत भारत में रह रहे अवैध लोगों की गणना कराएगी और उन पर कार्यवाही करेगी। दोस्तों इस मुद्दे का मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है और ऐसे कानून पारित कर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। भारत के कई राज्यों ने इसका विरोध किया। कुछ साल पहले जब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती थी तो ये काल्पनिक लगती थी। आज भारत की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हिंदू राष्ट्र पूरी तरह से लोगों के बीच चर्चा का विषय है। दोस्तों आखिर भारतीय हिंदू महासभा ने दिल्ली मुख्यालय में भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को जोड़कर भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत का संविधान बनाने का मसौदा तैयार कर रहा है। 2023 के माघ मेले में इस मसौदे को धर्म संसद में पेश किया जाएगा। इस मसौदे का प्रारूप पहले ही प्रस्तावित हो चुका है। ये संविधान आज के आधुनिक समाज की तरह नहीं होगा, ऐसा कुछ संत कह रहे हैं। हिंदू धर्म का सपना 2025 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा कहने वाले धर्म गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। इनके अनुसार हिंदू धर्म एक धर्म नहीं, जीवन शैली है जो मानवता और अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। साल 2025 अंत तक सभी सकारात्मक सोच रखने लगेंगे, लोग धर्म से नहीं बल्कि अपने विचारों और स्वभाव से हिंदू हो जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। कोई भारत के पहले से ही हिंदू राष्ट्र होने का दावा करता है। दोस्तों जाने माने बाबा जो आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं, इनका नाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं। इन दिनों हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए जोर शोर से अभियान चला रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए अपने धाम में यज्ञ करवा रहे हैं। दोस्तों ऐसे कई संत और महात्मा हैं जो आजकल हिंदू राष्ट्र पर अपने बयान दे रहे हैं। कई सारे बयान आ रहे हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र से है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम जमाने में रखे गए नाम बदले जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम शामिल हैं। हिंदू राष्ट्र पर विचार सबके अलग अलग हैं। कोई इसे RSS का एजेंडा बताता है तो कोई इसे हिंदू महासभा के प्रणेता विनायक दामोदर सावरकर को इसका जिम्मेदार मानती है। विनायक दामोदर सावरकर ने दो किताबें लिखी थी जिसमें इन्होंने हिंदू को एक दर्शन के रूप में परिभाषित किया। इसमें कहा गया कि केवल हिंदू ही इसमें नहीं आते, इसमें भारत में जन्म लेने वाले सभी धर्म के लोग आते हैं। इन्होंने कहा भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति की कोई नस्ल, राष्ट्र और संस्कृति नहीं है, केवल वो हिंदुत्व में ही आते हैं। RSS पर आरोप लगता है कि हिंदू राष्ट्र का अमली जमा पहनने के लिए काम कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र का खुलकर समर्थन किया है। योगी आदित्यनाथ जब से गोरखपुर से संसद बने, ये बजरंग दल के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू धर्म पर इनके दिए गए बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं, जिन्हें कुछ लोग विवादित भी कहते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस से लोकसभा सांसद हैं, इन्होंने जब से काशी का भार उठाया है उसको पूरी तरह बदल दिया है। आज काशी 8 साल के बाद स्वर्ग जैसी नजर आती है। यहाँ पर हिंदुओं का जमावड़ा लगता है। मोदी हिंदू धर्म के लिए ढेर सारे कार्य कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने काशी के विश्वनाथ धाम को बिल्कुल नया बना दिया और उसका उद्घाटन हिंदुत्व रीति रिवाजों से किया। लोगों के बीच चर्चा है कि इससे पहले ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने धर्म का खुलकर समर्थन किया हो।
भारत में हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ ऐसी भी गतिविधियां होने लगी जिसका असर जनता पर पड़ रहा। नेताओं के विवादित बयानों से हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे, हिंसा हो रही। कुछ कट्टरपंथियों ने इसे एक मुहिम बना लिया है और लगातार दंगे करवा रही हैं। ज्यादातर दंगे हिंदू मुस्लिम इलाकों में होते हैं। ये दंगे अलग अलग मुद्दों पर होते हैं, कभी लाउडस्पीकर पर, लव जिहाद पर, तो कभी हिजाब को लेकर। हाल ही में कर्नाटक में हिजाब को लेकर दंगे हुए। वहाँ स्कूल प्रशासन ने स्कूल में हिजाब को बैन कर दिया, जिससे वहाँ के मुस्लिम लड़कियों ने धरना प्रदर्शन और हिंसात्मक घटनाएं हुई। दोस्तों, लव जिहाद का मुद्दा तो पूरे देश में फैला हुआ है। एक विशेष धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। कभी कभी वे अपना रियल धर्म भी नहीं बताते। लाउडस्पीकर का मुद्दा तो कई सालों से बहस बना हुआ है। लोग इसका विरोध कर रहे, मस्जिद के आसपास के लोग इसके साउंड से परेशान हो रहे हैं। इस पर कई सरकारों ने कार्यवाही भी की। दोस्तों, अगर हम कहें हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा तो लोगों का जवाब होता है कि ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह जमीनी स्तर पर काम हो रहा है उससे लगता है कि ये देश जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये तो समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।